हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिगो पेंट्स के बारे में, और इंडिगो पेंट्स में कुछ आपसे कुछ अच्छा सा नजर आ रहा है। शायद ये शेयर बिल्कुल मल्टीबैगर बनने जा रहा है, बिकॉज यहाँ से अगर आप करंट प्राइस से देखें तो तकरीबन 125% का यहाँ से रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। सो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हाय, दिस इज सर्वेश, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिगो पेंट्स के बारे में। तो मेरी आपको यहाँ पर ओनली दिस वीडियो इज क्रिएटिंग ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। मेरी आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को खरीदें या बेचें। आपको जो भी कुछ करना हो प्लीज अपना ड्यूलेंस अवश्य करें। आई एम हेयर फॉर जस्ट मेकिंग यू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल्स। सो अगर हम बात करें इंडिगो पेंट्स के बारे में, तो इंडिगो पेंट्स का अभी हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया है, और कंपनी ने यहाँ पे 35% एक तरह से डिविडेंड अनाउंस किया है, मतलब 3.5 पैसे पर रुपी शेयर, 3.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। हम देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। सो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो मार्च 2023 के रिजल्ट आए, वो हाईएस्ट एवर रिजल्ट आए। 325 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। 325 करोड़ का रेवेन्यू इसलिए भी जनरेट किया कि सारी जो पेंट्स कंपनी है, चाहे आपकी एशियन पेंट हो या फिर कंसई नेरोलैक हो या फिर इंडिगो पेंट्स हो, इन सारी सभी कंपनियों को रिजल्ट्स अच्छे आने के दो तीन रीजन है। एक तो क्रूड के ऑयल के जो प्राइस होते हैं ना, कच्चा तेल के, उसके प्राइस भी गिर रहे हैं। तो इनका सब ज़्यादातर सारा जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल ही रहता है, तो उनके प्राइस गिरेंगे तो डेफिनेटली इन सबकी अर्निंग बढ़ेगी, इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। सो एक्चुअली वही हो रहा है। 172 करोड़ की रेवेन्यू से बढ़ते बढ़ते अभी दिस मार्च में हाईएस्ट एवर आया है। 325 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर 72 करोड़ का। एंड अगर हम देखें ना, तो तकरीबन नेट प्रॉफिट 49 करोड़ का आया है इस बार, काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट आया है। और बीकेस्ट दैट इस चारों क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट एवर आया है, और बीकेस्ट दैट पिछले 12 क्वार्टर से हाईएस्ट एवर आया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक पीपीटी भी दी है, सो वी विल डिस्कस समथिंग न्यू, क्या है, क्या क्या कर रही है कंपनी। तो कंपनी ने यहाँ पे लिखा भी है कि इंडिगो पेंट्स हैज क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 1000 करोड़ ऑफ द फाइनेंशियल क्लोज टू ईयर विथ नेट रेवेन्यू ऑफ 1073 करोड़। तो कंपनी के पास यहाँ पर इस साल जो 1073 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। और दूसरा क्या है, कंपनी ने यहाँ पे लिखा है न्यू प्लांट इन तमिलनाडु इज इन ट्रायल फेज, विल कमर्स कमर्शियल प्रोडक्शन शॉर्टली। तो तमिलनाडु में जो उनका एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब प्लांट बन चुका है, वो उस पर ट्रायल चल रही है। ट्रायल इन द सेंस ऑफ कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ट्रायल वैसे समझ लो कि अपन कुछ लेके आते हैं गाड़ी, तो उसको ट्रायल करते हैं, कुछ भी ट्रायल। तो मतलब मैं एक आध अगले शायद इस क्वार्टर में स्टार्ट हो जाए, फिर अगले नेक्स्ट क्वार्टर में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वहाँ से प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वहाँ से नेट प्रॉफिट सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो वहाँ से नेट प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगी। एंड वन मोर थिंग इज दैट कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड ए 51% स्टेक इन एप्पल सिने केमी। एप्पल केमी में इन्होंने, एप्पल केमी क्या है, एप्पल केमी के बारे में बता देता हूँ। एप्पल केमी की यहाँ पे वेबसाइट पर आए हैं। तो एप्पल केमी एक केमिकल बनाती है कंपनी, और जो इंडस्ट्रीज में जहाँ पर कमर्स आजकल जो हाई राइज बिल्डिंग बनती है, या फिर जो नए नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, वहाँ पर इस टाइप के प्रोजेक्ट काफ़ी कुछ काम आते हैं, बेटर केमिकल क्रिएटर हैं। तो इन सब चीज़ों का डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, और इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट होना है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग, सो आप ये सब चीज़ें समझ सकते हो वेरी इजीली। एंड अगर आप देखें ना, तो इनका क्या हिस्ट्री रही है, इन्होंने तकरीबन 1000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और ये भी एक अच्छा बिजनेस जो है, जो एक नया बिजनेस लेके आए हैं, और उसी पैटर्न का इनका बिजनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस भी इनको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, एप्पल सिने केमी विल सून एक्सपेंड इन द फुल प्रिंट इन पैन इंडिया, कंटिन्यू इट्स फोकस ऑन B2B सेगमेंट, वाइल द इंडिगो पेंट्स विल टारगेट द रिटेल कंज्यूमर फॉर द वाटर प्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन रेंज। तो मतलब दोनों मिला के काम करेंगे, और 51% स्टेक जब इन्होंने एक्वायर कर ली है, तो मतलब मैं यही सबके प्रमोटर रहेंगे। तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है कंपनी के हिसाब से, और 3.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा कि मैंने बताया, कंपनी ने 1073 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, काफ़ी हेल्दी सेल्स है, और कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। 38 करोड़ से लेके 1073 करोड़ की सेल्स बहुत होती है पिछले 10-11 साल में, और 1 करोड़ से लेके 132 करोड़ की नेट प्रॉफिट, जिसने मतलब 1 करोड़ का प्रॉफिट देखा हो और 10-11 साल में 132 करोड़ हो गए, क्या मतलब क्या गजब के रिजल्ट आए हैं। तो दैट इज गुड हेयर। एंड
डेप्रिसिएशन भी 34 करोड़ का है, बिफोर टैक्स 156 एंड 132 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आया है। बैलेंस शीट की बात करो तो शेयर कैपिटल 48 और खुद का पैसा तकरीबन इनके पास 800 करोड़ के आसपास है। बोरिंग कुछ नहीं है, 12 करोड़ बोरिंग कुछ भी नहीं होती, 12 करोड़ अगर आप बोरिंग देखेंगे ना अदर असेट में जाएंगे ना जहाँ पे कैश इक्विवेलेंट इनके पास 49 करोड़, तो इनके पास खुद का ही बड़ा है 12 करोड़ लोन तो चाहे जब भर देंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड अगर आप फिक्स असेट की बात करें तो 4 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 253 करोड़ की फिक्स असेट, 265 करोड़ की फिक्स असेट करंटली है, और 265 करोड़ में 251 करोड़ अभी इनकी वर्किंग मतलब CWIP में पड़ी है। तो जब ये मिलकर जब काम करेंगे तब इनकी जो CWIP फिक्स असेट होगी 600 करोड़ के आसपास। जब 600 करोड़ मतलब आप सोचिए ना तब क्या होगा, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट कहाँ आएंगे, सेल्स कहाँ आएंगी, और कंपनी के पास जीरो क्या है, जीरो यानी लोन कुछ है ही नहीं है, जीरो लोन, तो डेट फ्री कंपनी है, फुल डेट फ्री कंपनी है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे हिसाब से इट इज़ ए गुड थिंग्स इन कंपनी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर की गजब की होल्डिंग है, 54% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। FI की 8.80 है और DI की 3.20 है। FI की बात करें तो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में 33.99 दिख रही है, बट एस सच यहाँ पे नहीं है, SCI यानी SCI इन्वेस्टमेंट दोनों की यहाँ पे होल्डिंग दिख रही है। तो तकरीबन 25 एंड तकरीबन वी कैन से दैट 25% के आसपास तो इन लोगों के पास है स्ट्रॉन्ग हैंड में, बाकी की यहाँ पे 8-9% के आसपास पब्लिक के पास है। तो 8-9% पब्लिक के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, सारा कुछ जो माल है सारा कुछ इन द सेंस ऑफ सारे जो कंपनी के शेयर है जो भी मेजोरिटी है सब स्ट्रॉन्ग हैंड में है। और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 7,000 करोड़ है, 7,000 करोड़ की कंपनी क्या क्या गजब का बिजनेस कर रही है, एप्पल केमी को भी ले लिया है, इनका बिजनेस डेफिनेटली ये सब बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ों में आप देखना गजब के रिजल्ट आएंगे फ्यूचर में। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न में, तो चार्ट पैटर्न में एस सच यहाँ पर चार्ट तो कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट वी कैन सी दैट कि ये सब चीज़ें अब यहाँ से रिवर्सल मान ली है, जितना कुछ निगेटिव आना था आ चुका है। और आज भी शेयर की प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ है 2.5% के आसपास, उसका रीजन भी रहता है जब भी डिविडेंड अलाउंस होता है किसी भी कंपनी में तो उस दिन थोड़ी सी पिटाई होती है, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ऐसे इट इज़ अ गुड चांस, अगर कल थोड़ा बहुत और गिरता है तो लेने का चांस है। सो जब हम लेने का चांस बता रहा हूँ तो फिर इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, आप यहाँ से अपने अपने आप को यहाँ से थोड़ा टाइम देके इसको रीड आउट करिए, शायद आपके समझ में आए सब चीज़ें कैसे चलेंगी। तो इंडिगो पेंट वन ऑफ द ग्रोइंग कंपनी है इन इंडिया में और काफ़ी कुछ अच्छा बिजनेस कर रही है, एप्पल केमी भी इनके साथ इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है विद इन वन ईयर ये जो अपना टारगेट है 125% का ये क्रॉस करेगा, और इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, एंड कोई क्वेरी हो तो जरूर डालिए। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।